टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टॉक्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 45। होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो अब दिख जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 8 रेन ड्रॉप्स, ठीक है कलर अलग ले लेते हैं, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm, मेरे पास 8 रेन ड्रॉप है जिनकी रेडियस 1 mm दे रही है। हमसे कह रहा है ईच फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s। ठीक है, तो सबकी टर्मिनल वेलोसिटी दे रही है। हमसे कह रहा कोलैप्स, ये कोलैप्स से लिखा हुआ, कोलैप्स हो चुकी हैं मतलब मिल गई सब के सब, और उन्होंने एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म कर ली, बिगर ड्रॉप। हमसे कह रहा फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताओ। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े ईजी वे में। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो किसी एक छोटी ड्रॉप की। तो आप कहोगे टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल, चलो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले एक काम कर लो, आपको जो स्मॉल ड्रॉप है उसका डेटा दे रखा, क्या उसकी रेडियस दे रखी है कितनी है, 1 mm। 1 mm का मतलब होता है 10^-1 cm, ये होता है 10^-1 cm, 1 mm का मतलब। तो ये छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस दे रखी है, और आपसे ये भी कह रखा है कि उसकी जो स्पीड है, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है उसकी कितनी है, 5 cm/s। डेटा मैंने सेंटीमीटर में छोड़ दिया क्योंकि CGS में ही दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं सम वेयर एंड सम हाउ अगर बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस का पता चल गया तो आप उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बता सकते हैं। तो बड़ी वाली ड्रॉप के साथ ये इशू है कि आपको उसकी रेडियस का नहीं पता, तो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट करो। तो रेडियस निकालने के लिए मुझे बताओ, जब छोटी छोटी ये 8 ड्रॉप्स मिलेंगी, कितनी हो गई, 6 हो गई, 7, 8, अब हो गए ना 8। जब ये 8 ड्रॉप आपस में मिलेंगी तो एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो 8 छोटी बॉल्स के वॉल्यूम के जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो ख़त्म होने वाला नहीं है, जितना भी लिक्विड था छोटी छोटी बॉल्स का वो मिलकर एक बड़ा लिक्विड बना है, मतलब बड़ी ड्रॉप बनी है, तो वॉल्यूम तो सेम होगा ना, बिल्कुल सही होगा। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल बॉल्स के। ठीक है, बात सही है। बड़ी वाली बॉल का अगर रेडियस कैपिटल R है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप की होती है, गोल होती है, तो हो जाएगा 4/3 πr³। ये बराबर हो जाएगा 8 × 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 π से 4/3 π ख़त्म, तो कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा 8 r³, मतलब R इज इक्वल टू हो जाएगा 2R, और स्मॉल R की वैल्यू दे रखी है 10^-1, तो ये हो जाएगा 2 × 10^-1 cm। लो भाई, बड़े वाले ड्रॉप की भी आपको रेडियस मिल गई। तो अब आप एक काम करें, दोनों के ही लिए आप टर्मिनल वेलोसिटी लिख लें, तो आप कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल, वो क्या होगी, v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस के सिग्मा g/η। ठीक है, ऐसे ही ये स्मॉल बॉल का, बड़ी वाली बॉल की हो जाएगी वेलोसिटी v, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4 bigger, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 bigger, बड़ी वाली के लिए v इज इक्वल टू 2/9, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर, और रो माइनस के सिग्मा अभी भी चलेगा क्योंकि वाटर का डेंसिटी रो है, सिग्मा जो है एयर का डेंसिटी है g, और नीचे हो जाएगा ईटा। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो मैं यहाँ करता हूँ ये वाला काम, क्योंकि यहीं ये क्वेश्चन सारा का सारा फिनिश हो जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 1 से, तो 2 को डिवाइड करूँगा तो कैपिटल बी को स्मॉल बी से डिवाइड करूँगा, इधर इधर डिवाइड करूँगा तो देखो 2/9 से
मैं एक काम कर लेता हूँ, पूरा पूरा डेटा लिख लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 2/9 कैपिटल आर का स्क्वायर रो माइनस के सिग्मा इंटू जी अपोन ईटा, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही आप नीचे वाले के लिए लिखोगे 2/9 स्मॉल आर का स्क्वायर रो माइनस के सिग्मा जी अपोन ईटा। देखो ईटा से ईटा कटा, ठीक है, पहला तो ये कट रहा है, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता सेम पोजीशन के, रो माइनस के सिग्मा से रो माइनस के सिग्मा कटा, 2/9 से 2/9 कटा। तो कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी, ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल वी चाहिए मुझे यहाँ से, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इस पूरे का होल का स्क्वायर इंटू स्मॉल वी। तो कैपिटल वी चाहिए, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻¹, 2 × 10⁻¹। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 10⁻¹। इस पूरे का स्क्वायर और वी की वैल्यू कितनी है, वी कितना, 5 cm/s, ये हो जाएगा 5। देखो 10⁻¹ से 10⁻¹ एज इट इज कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 4 = 20 होते हैं, तो ये हो जाएगा 20 cm/s। तो जो बड़ी वाली बॉल है, ड्रॉप है, उसकी जो स्पीड आ रही है या फिर टर्मिनल वेलोसिटी जो आ रही है, वो आ रही है 20 cm/s। तो होप सो समझ में आ गया होगा, लिटरली क्वेश्चन बड़ा दमदार था, दिल्ली के अंदर पूछा गया, सेंट्रल स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस में ले लो, और ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, आपने इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करवा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार जल्दी से इसको लाइक कर दो। थैंक यू।